प्रिय भक्तगणों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ वो अद्भुत उपाय लेकर आया हूं जिनसे बिना कुछ खर्च किए आप अपने घर में सुख और शांति का वातावरण बना सकते हैं। इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशि फल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशि फल लेकर। इसके साथ ही बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, तो बहुत सारे चेंजेस थे ग्रह गोचर में, चलिए उनकी चर्चा करते हैं। मेष राशि में मंगल देवता वक्री होकर विराजमान होंगे और जैसा कि आपको पता ही है 23 तारीख से राहु महाराज अपना गोचर वृषभ राशि में प्रारंभ कर चुके हैं। शुक्र देवता विराजमान रहेंगे कर्क राशि में, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि बुध देवता मूव कर गए अपनी जगह से और वो विराजमान होंगे तुला राशि में जाकर। केतु महाराज ने भी मूव किया था 23 तारीख को, तो वो अब विराजमान होंगे वृश्चिक राशि में और यहाँ पर बृहस्पति देवता के साथ चंद्र देवता विराजमान होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा रहे हैं, किंतु कुछ समय पश्चात चंद्र देवता यहाँ से मूव करेंगे और वो जाकर विराजमान होंगे मकर राशि में। साथ ही मकर राशि में शनि महाराज वक्री होकर विराजमान है, तो इन सब ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में शुभ आशीर्वाद या कष्टों की वर्षा होती है और वो वर्षा होती है हमारे अपने अच्छे और बुरे कार्यों के आधार पर। अरे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो फल देगा भगवान। हम दुष्टता दिखाएं और सोचें अगले जन्म में हमें किसी राजा के यहाँ जन्म हो जाए तो कैसे होगा। हो सकता है हम किसी बहुत ही दरिद्र परिवार में जो रोटी रोटी को मोहताज है ऐसे परिवार में जाकर जन्म लें या किसी बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लें, तो ये इसका निर्धारण करेंगे ये ग्रह देवता जो आपके हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं अपने पास और चित्रगुप्त जी को भेज देते हैं, यमराज जी के जो असिस्टेंट हैं उनको भेज देते हैं, उसी के आधार पर चित्रगुप्त जी फैसला करते हैं यमराज जी के साथ मिलकर कि आपको किस प्रकार का जन्म दिया जाए। कहीं अंधा लंगड़ा लूला बनाकर जन्म दें, किसी अमीर परिवार में जन्म दें, या महादरिद्र परिवार में आपका जन्म हो जहां आपको सिर्फ कटोरा ही हाथ में नजर आए। क्यों करते हैं बुरे कर्म 100 बार सोचिए। किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से पहले, देश द्रोह करने से पहले, देश को किसी भी प्रकार से अहित पहुंचाने से पहले, समाज को अहित पहुंचाने से पहले, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को कष्ट देने से पहले 100 बार सोचिए कि भगवान की एक नहीं हजारों आंखें हैं जो आपके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। तो जो लोग अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए हमारी सहायता चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर पापों का प्रायश्चित है उस लिंक का नाम, उसको कॉपी कर लीजिए और उसे किसी नई विंडो में खोलकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बहुत से अन्य लोगों की तरीके से। और प्रिय भक्तगणों, आज है विक्रम संवत 2077, 26 सितंबर सन 2020 शनिवार का दिन है, दशमी तिथि है, शुक्ल पक्ष के अश्वनी मास की। आसमान में अतिगंड नामक योग और उत्तर अषाढ़ा नामक नक्षत्र का उदय हो चुका है। प्रभु जो द्वार खोलने वाले हैं वो खोलेंगे शाम के समय 11:20 से लेकर 1:08 तक प्रभु के द्वार खुले रहेंगे, तो इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विद्यमान रहेगी वो 2:14 से लेकर 3:44 तक सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विद्यमान रहेगी और जो राहु काल रहने वाला 9:45 से लेकर 11:15 तक रहेगा। इस समय के अनुसार आप अपने शुभ और अशुभ कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सनातन धर्म आज यहाँ इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है,
कि हम जैसे एक तुच्छ आदमी से 133 देशों के लोग समय समय पर संपर्क करते हैं या पूरी दुनिया से चल चलकर देशी विदेशी लोग हमसे मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग निरंतर हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर करिएगा, ताकि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा जो है निरंतर इसी प्रकार से बहती रहे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूँ मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर जैसा कि समय थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने गुस्से पर फिर भी आपने कंट्रोल रखना है और मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करनी है। विधि विधान आप हमें ईमेल करके भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उलझने कुटुंब वाले लोगों के साथ अब आपके साथ आया करेंगे, तो अपने परिवारजनों कुटुंबजनों का ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा। हालांकि इस समय कुटुंबजन आपके माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माता की बात करते तो एक यात्रा की संभावना बन रही है, भाग्य से संबंधित या अंत कार्य से संबंधित, और वो आपको कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि जरूर प्रदान करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और बात करते हैं लंग से संबंधित इन्फेक्शन की, उससे सावधान रहिए, कोई परेशानी आकर खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ अब आपका जो संबंध है निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। आपकी माता के साथ मिलकर वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेंगी। और यहाँ पर बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य निश्चित रूप से आपको सहायता करता हुआ नजर आ रहा है, तो भाग्य की सहायता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। किंतु कार्यस्थल पर कुछ अड़चनें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इन अड़चनों को भी आप कुछ समय पश्चात दूर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि शनि महाराज जो है 27 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो वक्री थे बहुत लंबे समय से, तो अब वो मार्गी हो जाएंगे 27 सितंबर से, तो आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। फिर भी तब तक के लिए आप शनि महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करते रहें, आपको लाभ होगा। और आमदनी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ऐसा करना आपके लिए अति उत्तम है। बात करूंगा उन सभी स्टूडेंटों से जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, वो हमारा गारंटी वाला उपाय करें, साल में एक बार करना होता है, गारंटी से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे पिछली बार से, और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। और इसके साथ ही बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, जो लोग अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है मेष राशि वाले, तो वो सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने साथी के साथ अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं, शादी की संभावना को बढ़ा सकते हैं। और घर वालों की तरफ से अड़चन आ रही है तो उनको मनाने के लिए भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद कर सकती है आपकी। तो आप बिना किसी चेक के इसकी पर आए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है आपके शादी से संबंधित, तो इस चांस को मैच्योर करने का प्रयास करिएगा। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से पता ही है आपको कि आपका कुछ उलझनों से सामना होना प्रारंभ हो गया है, और वो उलझनें अब काफी समय तक आपको परेशान करेंगी। मेरी सलाह लेते हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा हमेशा अपने राशि रतन की, और जो उलझन फैला रहे हैं ना ये महाशय, यानी कि आपकी राशि में जो राहु महाराज ने प्रवेश किया है, तो उनकी वजह से जो उलझने आपको हो रही है, तो उनसे संबंधित रतन की अंगूठी और अपने भाग्य के रतन की अंगूठी सदैव धारण करिए। आधी से ज्यादा परेशानियां तो ये अपने आप ही निपटा देते हैं, थोड़ी मोड़ी परेशानी अगर आ भी जाएगी तो आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे इनको पहनने से कि आप चुटकी बजाते ही अपनी परेशानियों का हल निकाल लेंगे। यहां मैं बात कर रहा हूं आपके अपने आत्मबल की, जिसके सहारे आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अपने बाहुबल को बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने बाहुबल को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। यहाँ आपके भाई बहन आपकी भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो ये जो यात्रा है अंततः आपके भाग्य में वृद्धि करने के कार्य आ सकती है। भाई बहनों के साथ ये यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो पहले तो एक शुभ सूचना है कि एक नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट पंचायत ट्रांसफर से संबंधित या कंपिटेटिव एग्जाम में सफलता से संबंधित कोई सूचना आपके पास आ सकती है, इस सूचना को मेटलाइज करें। किंतु जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी का बार बार एग्जाम दे रहे हैं मगर सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो,
उनसे कहूंगा एक बार अपनी जन्म कुंडली तो देख लो, अगर उसमें सरकारी योग नौकरी का योग है ही नहीं तो फिर मिलेगी कैसे सरकारी नौकरी। क्यों आप अपने 6-7 साल खाली सरकारी नौकरी की आस में खराब कर ले रहे हैं, सारे काम धंधे छोड़ के बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अरे इतनी मेहनत अगर आप अपना बिजनेस जमाने में कर लेंगे या प्राइवेट नौकरी में भी कर लेंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, पता नहीं कितने नौकरों को अपने अधीन रख लेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सपोर्ट मिलेगा, हमारा देश का भी नाम रोशन होगा। प्रयास करिए, आप यंगस्टर्स हैं, आपके ऊपर ही तो हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम स्किन डिसीजेस से संबंधित आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहें। और बात करना चाहूँगा जीवन साथी के साथ जो कटुता आएगी उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, अन्यथा आप जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी धारण करें, अपने भाग्य की से संबंधित रतन की अंगूठी सदैव धारण करके रखें। और साथ ही साथ बात करना चाहूंगा एक जो यात्रा की जो संभावना बन रही है, अंततः वो आपका मन ही दुखाने वाली होगी, आपको परेशान करने वाली होगी, तो इस यात्रा को टालना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ बात करूंगा भाग्य की, तो भाग्य स्थान में अभी जो परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप अपने भाग्य को सदैव मजबूत करके रखिए। चाहे कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल में भी सेम परेशानी आपको महसूस होगी, चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, आपको परेशानी तो मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का भरपूर प्रयास करिएगा। आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आप अपनी जो है जो खराब हो रहे हैं इस समय, आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं तो उनको मजबूत करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करिएगा। आपको कोई बकरे की मुर्गे की या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, साल में एक या दो बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा जो उपाय होता है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे सकता है, चाहे तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। यहाँ बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि कुछ जो परेशानियां हैं आपके जीवन में, जो चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं, फिर भी आप उसे पार निकलने का प्रयास करिएगा। अपने आप को मजबूत कराने के लिए अपने राशि रतन के और भाग्य के रतन की अंगूठी सदैव धारण करिएगा, आपको हमेशा फायदा मिलेगा इससे। मगर मंत्र से अंगूठी हो और हर 3 वर्ष बाद असली रतन की अंगूठी बदल देनी चाहिए, नई बार नई बनवाकर नए मंत्रों से सिद्ध कर धारण करनी चाहिए। उप रतन की अंगूठी हर 1 साल बाद बदली जानी चाहिए, तभी वो फायदा देगी, तभी आप तरक्की की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ते रहेंगे, वरना ठहर जाएंगे, स्टॉप आ जाएगा। और कौन चाहता है वो निरंतर तरक्की ना करे। परिवारजन फुल टू फुल आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। माता का फुल टू फुल सपोर्ट आपको कोई नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की तरफ ले जा रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तरफ या सरकार से कोई बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है तो उसको ग्रैब करने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट है अपनी बुद्धि कौशल का, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर अगर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। किंतु जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो युवक युवतियां, उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि एक बार चेक करा लें, अगर उनकी जन्म कुंडली में कमजोर योग बना हुआ सरकारी नौकरी का तो उस योग को मजबूत करें, ताकि आपको जल्दी से सरकारी नौकरी पाने के चांस बन जाए। और यहाँ पर बात करूंगा एक यात्रा की संभावना की, जो आपको अपने जीवन साथी के साथ होती हुई नजर आ रही है, इस यात्रा के दौरान आप निश्चित रूप से आपका जीवन साथी अभूतपूर्व सहयोग देगा, आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेगा। किंतु यहाँ पर एक जो परेशानी की बात आती है वो इस प्रकार से बनती है कि आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर कोई चोरी ठगी की संभावना बन सकती है। यहाँ पर भाग्य के हालात ठीक नहीं है और आमदनी में भी नुकसान होने की संभावना है। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और जो युवक युवतियां शादी ना हो पाने से परेशान है तो इस समय उनके लिए अच्छा चांस है, थोड़े से प्रयास से भी शादी की संभावना बन सकती है, तो इन दिनों वो प्रयास करें। फिर भी ऐसे सभी युवक युवतियां जो बार बार रिश्ते वालों द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा लेकर, लेकिन ये उपाय इतने छोटे भी नहीं है कि आप बृहस्पति देवता के व्रत कर लीजिए तो शादी हो जाएगी, या फिर केले के पेड़ का पूजन कर लीजिए तो शादी हो जाएगी, या खाली पुखराज की अंगूठी पहन ले तो शादी हो जाएगी। अरे ग्रह कोई और खराब है, आपको एक कॉमन उपाय पकड़ा देते हैं पंडित जी, तो आप ऐसे जो उपाय देने वाले ब्राह्मण गण है वो एक्चुअली पूजा पाठ में पारंगत होते हैं, शादी कराने में, यज्ञ हवन में, किंतु एस्ट्रोलॉजी में उनकी रुचि बहुत कम होती है। जब उनको आप बार बार छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो कोई भी उपाय आपको बता सकते हैं इस प्रकार का, लेकिन जब तक आप प्रॉपर उपाय नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा।
तो आप जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करें। आप देखिए, अगर कोई सज्जन ये आपसे कहते हैं कि खाली एक ग्रह खराब है, तो बहुत कम चांस है ऐसा हो, और ऐसा अगर 8-10% केसेज में होता है तो उनको जरूर लाभ पहुंचता है उससे। लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है 90-90% जन्म कुंडली में दो तीन चार ग्रह प्रॉब्लम खड़ी कर रहे होते हैं शादी के केस में, तभी तो आप बार बार रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं। तो आप उनके प्रॉपर उपाय करेंगे तो अवश्य आप एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करेंगे, वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति आकर आपके जीवन को नरक बना सकता है। मनोज कुमार पांडे, कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट किदवाई नगर, सरोजनी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? ये हमारे पेट। तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा? काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चले, जय शनिदेव। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपका मन विपरीत सेक्स की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, आपके जीवन में खुशियां हैं, आपको एक अच्छा सा जीवन साथी मिले, हम भी यही कामना करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है, तो नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू, सफलता से संबंधित उस सूचना को पकड़ने का प्रयास करिएगा, उसकी वजह से आपको फायदा हो सकता है। माता का पुल टू पुल आशीर्वाद आपके साथ है। और यहाँ स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो ऐसे सभी स्टूडेंट अपने फोकस को पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित करेंगे, तभी तो वो अपना करियर बनाकर अपने आने वाले परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। अपने शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करें, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु जीवन साथी के साथ जो उनकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। एक अपने राशि रत्न की जीवन साथी के राशि रत्न की अंगूठी आप सदैव धारण करें, वो आपकी कुंडली से निर्धारित होगा। और यहाँ पर मैं आपके बात करता हूँ, आपके कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं है, उनको ठीक करिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। आमदनी में भी आपको कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं। और अगर मैं प्रेम संबंधों के बारे में आपके बारे में चर्चा करूं, तो आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उलझन नजर आ रही है, फिर भी क्रोध का समावेश मत करिएगा और प्रॉपर उपाय करिएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के। इसमें आपको कोई किसी धूत या पाखंडी या प्रपंची व्यक्ति जो सनातन धर्म का ही नहीं है और सनातन धर्म के नाम पर आप उसे लाखों रुपए लूट रहा है, या उसे कोई ज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म की किसी पूजा पाठ का, मगर आपको लाखों रुपए लूट रहा है, ऐसा कोई लाखों का खर्चा पूजा पाठ में नहीं होता है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक या दो बार करने होते हैं और अंततः वो आपके हाथ में ही रहते हैं वो उपाय, तो उनको करके आप न सिर्फ अपने प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकते हैं, अपने घर वालों को भी मना सकते हैं उस और शादी की तरफ अपने संबंधों को ले जा सकते हैं। यहाँ पर बात करना चाहूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आपका जो मोरल है बहुत काफी अप रहेगा, परिवारजन फुल टू फुल आपको सहयोग देने, साथ ही साथ नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धि के बल पर आपका बाहुबल में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। माता का साथ एक यात्रा की संभावना बन सकती है, और जो माता के साथ झगड़ा मत करना,
क्योंकि माता के साथ अगर आप झगड़ा करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको आपकी संतान की वजह से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कोई यात्रा की संभावना बन सकती है उनकी वजह से। तो ये बड़ा अद्भुत सा मौका है, खुशखबरी देने वाला मौका है, तो इसका सदुपयोग करें। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, और अपने अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिएगा, और अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए। अक्सर आप उनके साथ वाद विवाद में पड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी ईगो बार बार हर्ट होती है, तो उस पर कंट्रोल पाने का प्रयास करिएगा। जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। भाग्य की अंगूठी भी पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि भाग्य की हालत इन दिनों काफी दिन तक सही नहीं रहने वाले हैं, और भाग्य सही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वैसे तो मेरा अपना मानना यही है कि आप तो हमेशा अपने राशि रत्न के, अपने भाग्य के रत्न के और आमदनी के रत्न की अंगूठी हर व्यक्ति को पहननी चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से मन से प्राण प्रति जागृत कराकर। ऐसा करने से जीवन की आधी से अधिक समस्याएं तो दूर हो जाती हैं, और इनको हर बार बदलना है आपने। उप रत्न की अंगूठी को हर एक साल बाद, असली रत्न की अंगूठी पहनी तो हर 3 वर्ष बाद, नए सिरे से नई अंगूठी बनवाकर धारण करनी होती है। तो ऐसा करना निरंतर आपके जीवन में बार बार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता चढ़ाता ले जाता है, और निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहां पर एक तो विधवा स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना है किसी भी कोष, और एक स्त्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर प्रेम संबंधों के बारे में बात करता हूं तो आपके प्रेम संबंधों आपके निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो संतान सुख ढूंढ रहे हैं, जो दंपत्ति सालों से डॉक्टर की दवाई खा रहे थे मगर कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसे दंपत्ति एक बार अपनी जन्म कुंडली में ये चेक करा लें कि संतान का योग है भी या नहीं। अगर है तो डॉक्टर की दवा तो आप खा ही चुके हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। ये उपाय आपने कोई रोज रोज नहीं करना, साल में 1 या 2 बार इस तरह के उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से इन दिनों खुशियां भरी हुई हैं, और शायद उनके साथ कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट, सरकार से कोई बेनिफिट, सरकारी नौकरी की संभावना, कोई मनचाहा ट्रांसफर या कोई कंप्यूटर एग्जाम में सफलता की सूचना आपके आसपास घूम रही है। पकड़ लीजिए इसे, हाथ से चली ना जाए। परिवारजन भी आपको भरपूर लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु उस संभावना से शायद आपका मन भी दुखी हो सकता है। किंतु अगर आप माता के साथ यात्रा करें तो आप निश्चित रूप से काफी खुशियां महसूस करेंगे उस यात्रा के दौरान, और आपको माता का भरपूर आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे आप अपने करियर का निर्माण कर पाएंगे या आगे चलकर कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। अरे क्या घास खोदने का इरादा है आपका आगे चलकर, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है आपको पढ़ने लिखने के लिए, तो फोकस पढ़ाई लिखाई में लगाइए, बाकी सब चीजों को तिलांजलि दे दीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई लिखाई में तो हम गारंटी से आपका हेल्प करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा उपाय साल में आपने करना है, आपके हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। आप उनसे गारंटी से लिखवा के ले लीजिए। और बात करता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में, तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बात करूंगा कोई एक्सीडेंट वगैरह की, तो आप वाहन चलाते समय सावधानी पूर्वक ही वाहन चलाएं, कोई दुर्घटना की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य में, अब क्योंकि राहु महाराज आके डेरा जमा चुके हैं तो कुछ उलझने तो अवश्य ही आएंगी, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। राहु महाराज से संबंधित रत्न की अंगूठी या उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आमदनी के हालात के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य की वजह से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, और कार्यस्थल में आपके तो परिवारजन है निश्चित रूप से, चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनकी सहायता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। कन्या राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे सभी व्यक्ति चाहे वो कन्या राशि के हैं या कोई भी राशि के हों, अगर वो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, निराश है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे बताए हुए छोटे छोटे उपायों को करके अपने प्रेम संबंधों को आराम से उनमें जान डाल सकते हैं, उनको शादी की तरफ ले जा सकते हैं, और घर वाले नहीं मान रहे तो उनको भी शादी के लिए प्रेम पूर्वक मना सकते हैं।
और साथ ही साथ मैं एक मकान की संभावना या नए वाहन की संभावना भी आपके साथ जुड़ता हुआ देख रहा हूँ कन्या राशि वालों, तो इस शुभ अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।